हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेके आई हूँ कद्दू की खीर, या लौकी की खीर बोल सकते हैं, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। इसे आज हम बनाएंगे हैदराबादी स्टाइल में, क्योंकि ये हैदराबाद की फेमस रेसिपी है। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, बट खाने में ये बहुत ही यम्मी लगता है। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है ना, तो इस रेसिपी को देखकर आप ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और हाँ, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें साबूदाना ले लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच साबूदाना ले रही हूँ, और उसके बाद हम ले लेंगे 2 चम्मच के करीब काजू। इन दोनों को हमें सबसे पहले दूध में भिगो देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ, तो आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट दूध डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस इसे हमें 10 से 15 मिनट तक भीगने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 किलो लौकी, या कद्दू बोलिए, जो भी ले लिया है। चलिए अभी से हमें छील लेना है। तो इसे हमें सबसे पहले इसके ऊपर का जो छिलका है उसे निकाल लेते हैं। तो सारे छिलके को बहुत आराम से आप इसे निकाल लें। इसके ऊपर का छिलका निकालने के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया था। अब इसे हम 4 हिस्से में कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर का जो बीच वाला हिस्सा है, जिसमें बीज है, उसे हमें काट के अलग करना है। तो इस टाइप से आप पहले इसे कट कर लें, और फिर एक चाकू के मदद से इसके अंदर के बीच वाले जो हिस्से हैं उसे हमें अलग कर लेना है, क्योंकि ये खीर में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगेगा। और जो मोटी मोटी या छोटी भी बीज रहेगी ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा खीर में। तो हम क्या करेंगे, इसके बीज को पहले निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1/2 किलो कद्दू लिया है, तो आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से बनाइएगा। तो ये अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसे कद्दूकश कर लेंगे, मतलब हम इसको क्रश कर लेंगे। तो मैं यहाँ क्रशर के मदद से इसे कश कर रही हूँ, ये देखिए। तो आपको कद्दू के सारे पीसेस को इसी तरह क्रश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कद्दू को क्रश करके तैयार कर लिया है। आप चाहे तो थोड़ा बारीक भी कर सकते हैं, पर मोटे मोटे क्या होंगे, थोड़े दूध में अच्छे लगेंगे। तो बस इनको मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम एक पैन ले लेते हैं, और पैन में हम डालेंगे घी, और घी डालने के बाद हम इसमें कद्दूकश किया हुआ लौकी डाल देंगे, और इसे हमें लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। आप एक काम करें, इसे सिर्फ सॉफ्ट करना है, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इसे लो फ्लेम पर सॉफ्ट कर लें। तो बस इसे क्या करें, ऊपर में इसका लीड लगा दें, और इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं दूध। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध का यूज़ कर रही हूँ। अब दूध डालने के बाद एक बार अच्छे से बॉईल आने देंगे हाई फ्लेम करके, और इसे कंटिन्यू हमें मिक्स करते रहना है। तो हाई फ्लेम पर जैसे ही इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, ये देखिए बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है, तब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। और लो करने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक कद्दू को और दूध को बहुत अच्छे से कुक कर लेना है। 5 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे भीगे हुए साबूदाना, और साबूदाना डालने के बाद इसे एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर ले। अब हमें इसे कद्दू और साबूदाना को 5 मिनट तक बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही आसान है बनाना, बस सबको मिक्स करना है और बहुत अच्छे से पकाना है। बस क्वांटिटी आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने काजू और दूध को पेस्ट बना लिया था, उसे ऐड कर ली हूँ। तो यहाँ पे हर 5 मिनट के बाद आपको एक इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने कद्दू और दूध के पेस्ट को ऐड कर लिया है। अब हम फ्लेम को लो करके इसे हमें अच्छे से पका लेना है। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू आप इसे पकाते रहिएगा, क्योंकि दूध है, दूध की चीज़ हमेशा नीचे से जलने का डर रहता है। तो आप इसे हर 1 मिनट के बाद इसे मिक्स करते रहें। तो अब हम नेक्स्ट में ऐड करेंगे मिल्कमेड, ये इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। अगर आपके पास मिल्कमेड नहीं है, तो आप खोआ को भी ऐड कर सकते हैं। तो मिल्कमेड आप ज़रूर यूज़ करिएगा, तभी ये बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आएगा इसमें। अगर ये आपके पास नहीं है, तो आप इसके बिना भी इसे खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगेगा।
तो बस मिल्क मेड मिलाने के बाद हमें इसे लो फ्लेम पर कंटिन्यू कुक करते रहना है। हम कब तक कुक करेंगे? जब तक इसमें एक अच्छा सा गाढ़ापन ना आ जाए। तो हमें साबूदाना कद्दू को बहुत अच्छे से कुक कर लेना है लो फ्लेम पे। 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट से मैं इसे लो फ्लेम पर कुक कर रही हूँ, बहुत अच्छे से एक गाढ़ापन आने लगा है। तो इस टाइम पर हम ऐड करेंगे इसमें चीनी। तो आधा कप चीनी हम यूज़ कर रहे हैं, आप अपने मीठे के हिसाब से यूज़ करिएगा। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप चीनी को ना डालें। तो जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो भी इस खीर का मज़ा ले सकते हैं बिना चीनी डाले। आप इसमें शुगर फ्री ऐड कर लेंगे तो वो भी बहुत आराम से खा लेंगे। तो बस इन सब को मिला लें। जब आप शुगर डालेंगे तो ये ऑलरेडी गाढ़ा होने लगेगा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन कलर। ये ऑप्शनल है, बट अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो इसका जो कलर है ये थोड़ा सा हल्का लाइट ग्रीन कलर आएगा। तो ये यहाँ पे जो यूज़ करते हैं बावर्ची लोग, ये यहाँ पे कलर ज़रूर डालते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसमें इसका टेस्ट का कोई ये नहीं रहता है। आप नहीं भी डालेंगे तब भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो बस इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। जब भी कोई गेस्ट आए, कोई फेस्टिवल हो, आप इसे बना सकते हैं। घर की ही चीज़ों से ये आराम से बन के तैयार हो जाती है। चीनी डालने के बाद इसे हमें 5 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक कर लेना है और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और जैसे ही फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, 1 से 2 ड्रॉप वैनिला एसेंस। अगर आपके पास वैनिला एसेंस नहीं है तो आप केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर गैस जब आप ऑफ़ कर ले उसके बाद वैनिला एसेंस इसमें ऐड कर ले। और आपकी कद्दू की खीर बनके तैयार है। देखिए कितना यमी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है इसे। अगर आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए, और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।